आगरा के लाल किले में आज शिशु देखभाल एवं स्तनपान कक्ष का उद्घाटन सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और उनकी धर्मपत्नी ने किया, जहां सांसद की पत्नी ने बताया कि आगरा में इस तरह के कक्ष का दूसरा उद्घाटन है, क्योंकि अक्सर घूमने वाले स्थल पर बच्चों को स्तनपान और डायपर चेंज करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए बच्चों की केयर के लिए ASI ने ताजमहल के बाद लाल किले में इस तरह के कक्ष का शुभारम्भ किया। मैं नदीम, कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से। अभी यहाँ पे एक बच्चों के लिए एक रूम तैयार किया गया, जहाँ पे आप डायपर चेंज कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं एसी में। तो कैसा आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये आगरा ताजमहल में भी किया हुआ है, और अभी मेरे बच्चे को भूख लगी तो मुझे काफी शर्म सी महसूस हो रही है। मेरी बीवी और भी देखने वाले गाइड जो कर रहे थे, मुझे भी सर ने बताया यहाँ पर ओपनिंग होने वाली है। पहले भी कभी लोग आगरा आए हैं? काफी बार ऐसा नहीं था, मगर ताजमहल में दिक्कत होती थी, काफी दिक्कत, अभी भी दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ा, मगर नहीं पता था, अभी नहीं है, अभी कभी पता लग गया जी। शुभारंभ किया है लाल किले में, क्या कहना है? मैं ASI का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक बड़ी छोटी बात है, लेकिन जो महिलाओं की निजता और स्वच्छता और प्राइवेसी से जुड़ी हुई है, उसका उन्होंने ख्याल रखा है। छोटे बच्चों को दुग्धपान कराने के लिए सार्वजनिक स्थल पर खिलाना संभव नहीं होता था, और चूंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी है कि किसी बिल्डिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, इसलिए यथास्थिति को बनाए रखते हुए जो भी उपलब्ध है वहाँ पर उन्होंने एक कक्ष का, बल्कि दो कक्ष हैं, और उसमें इंटीरियर बहुत अच्छा है। माँ के बैठने के लिए चार पांच माँ एक साथ आ सकती हैं, बच्चों को बैठने के लिए, उनका डायपर चेंज करने के लिए, और दुग्धपान के साथ साथ अगर कोई दवाई देनी है, रेस्ट करना है, उनके कपड़े बदलने हैं, अगर उन्होंने कोई लैट्रिन या वॉश यूरिन कर रखा है तो उसके लिए भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। मैं ASI का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि पहले ताजमहल में जो किया था उसकी बहुत विश्व में सराहना हुई है, आज लाल किले में भी इस प्रकार का प्रयोग किया है, क्योंकि माँ की स्वच्छता और निजता और प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है, और ये बहुत ज़रूरी है। और छोटे बच्चे जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकते हैं, तो उसका ये मतलब थोड़े ना कि उनका हम ख्याल नहीं रखेंगे। तो जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं उनका भी हमको ध्यान रखना है। थैंक यू। यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, रिबन काटा गया है सर के द्वारा, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं होंगी जो अपने बच्चों को लाके यहाँ पर स्तनपान कराएं, डायपर चेंज कर सके, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए। आज यहाँ पर लाल किले में बेबी केयर रूम खोला गया है, और ये बहुत अच्छी बात है। और मतलब ये बाहर से लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, परेशान हो जाते हैं, गर्मी का मौसम भी होता है, और बच्चे होते हैं, आपको पता ही है, सुसु पोटी सब परेशानी होती है, भूख भी लगती है उनको, तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने, और सबके लिए बहुत सुविधाजनक है और बहुत ही सराहनीय है। आप भी मतलब महिला है, आपके बच्चे होंगे तो आप भी घूमने जब जाते होंगे तो बहुत दिक्कत होती होगी जगह जगह, तो आगरा से बाहर भी ऐसी सुविधा है देखने को मिली कभी आपको? मुझे कभी नहीं मिली ऐसे, तो मैं पहली बार देख रही हूँ यहाँ पे, और ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि जब हमारे छोटे बच्चे थे तो बच्चे पानी भी मांगते थे, भूख भी लगती थी, और सुसु पोटी के लिए भी परेशानी होती थी, बच्चे हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन ये बहुत सराहनीय काम किया इन्होंने, और सभी माताओं और खास तौर से बच्चों के लिए बहुत सहूलियत का काम है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।